सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ तार वाद्यों से परिचित कराएंगे। तार वाद्यों में अनेक वाद्य हैं, जिनमें तीन वाद्य प्रमुख हैं। ये वाद्य हैं सरोद, संतूर और सितार। हम आपको बता दें दोस्तों, तार वाद्य उन वाद्यों को कहते हैं जिनमें संगीत की ध्वनि निकालने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है। साथियों, ये ध्वनि है सरोद की। भारतीय वाद्य यंत्रों में सरोद का विशेष स्थान है। इसे प्राचीन वाद्य शारदा वीणा का विकसित रूप माना जाता है। सरोद के विषय में ये भी कहा जाता है कि सन 913 ईस्वी में इब्न अल अब्बास नाम के एक समरकंद निवासी ने इसका आविष्कार किया था। उसने अपने इस वाद्य यंत्र का नाम रखा था शरूद। इसी शरूद शब्द से बना सरोद। इसलिए कहा जा सकता है कि सरोद मध्य एशिया से भारत आया। सरोद लकड़ी का बना होता है, जिसमें तार लगे रहते हैं। इसमें चार प्रमुख तार और चार सहायक तार होते हैं। इनके अलावा दो तार आधार के लिए और लगभग एक दर्जन तार अनुगूंज या तरब के लिए होते हैं। वादक लकड़ी के एक छोटे टुकड़े से इसे बजाता है, जिसे जवा कहते हैं। साथियों, सरोद की ध्वनि की पहचान अच्छी तरह से कर लीजिए, ताकि भविष्य में कभी इसकी ध्वनि यदि आप सुने तो समझ जाएं कि ये सरोद की ही ध्वनि है। तो आइए सुने सरोद वादन। साथियों, अब बारी है संतूर की। संतूर अपनी सुरीली और मीठी आवाज के लिए सारे संसार में जाना जाता है। जब इसे बजाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो कल कल करते हुए झरने बह रहे हैं। ये कश्मीर घाटी का वाद्य है। कहा जाता है कि ये शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा का विकसित रूप है। ये वाद्य लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें 60 तार लगे होते हैं। वादक संतूर को सामने रखकर बैठता है और लकड़ी की दो डंडियों से, जो आगे से मुड़ी होती हैं, इसे बजाता है। साथियों, अब संतूर की ध्वनि की पहचान भी अच्छी तरह से कर लीजिए, ताकि जब भी आप इसकी ध्वनि सुने तो समझ जाएं कि ये संतूर की ही ध्वनि है। तो आइए सुने संतूर वादन। Thank you.
और साथियों, अब हम आपको बताते हैं सितार के विषय में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के तार वाद्यों में एक लोकप्रिय वाद्य है सितार। आज सितार का जो रूप हमें दिखाई पड़ता है वो शुरू में ऐसा नहीं था। इस वाद्य का भी दूसरे वाद्यों की तरह क्रमिक विकास हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सितार उत्तर पश्चिमी एशिया से भारत आया। सितार सहतार शब्द से बना है। सहतार एक प्राचीन पर्शियन वाद्य यंत्र था जिसमें तीन तार लगे होते थे। सहतार को संगीत शास्त्र में त्रितंत्री यानी तीन तारों वाला वाद्य भी कहा गया है। आज का सितार इसी सहतार का विकसित रूप है। आप इसकी ध्वनि की पहचान कर लीजिए। साथियों, अभी आपने सरोद, संतूर और सितार वाद्य यंत्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल की और इनकी ध्वनि की पहचान भी की। अंत में आइए हम आपको इन्हीं वाद्यों को क्रम बदलकर सुनाते हैं। आप वाद्यों के नाम पहचानिए। तो सबसे पहले सुनते हैं ये वाद्य। पहचाना आपने? हाँ, ये संतूर ही था। और अब सुनते हैं ये वाद्य। था सरोद। आपने पहचाना? और अब सुनिए तीसरा वाद्य। शाबाश, ये सितार ही था। तो साथियों, अब आप अच्छी तरह से सरोद, संतूर और सितार को पहचान गए हैं, है ना? एक काम और, आप अपने अध्यापक, माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से इन वाद्यों को देखें और इनके चित्र अपनी कॉपी में चिपकाएं। रंगोली। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये रेडियो बाल पत्रिका। कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, संपादक मंडल अजीत होरो, रमेश रानी शर्मा तथा दाऊ दयाल चतुर्वेदी। निवेदन आरती बख्शी। ध्वन्यांकन बटीलैंग लिंगडो। निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा आलेख, निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।